तो मैं बता रहा हूं यूएसबी ओटीजी कनेक्टर जो होता है उसके द्वारा अपने जो पेन ड्राइव है उसको अपने मोबाइल से कैसे जोड़ते हैं, कैसे बहुत आसानी से आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये एक ओटीजी केबल है सी टाइप और ये मेरा रेडमी फोन है, ये एक पेन ड्राइव है। अब मैं इसको कनेक्ट करके डेटा ट्रांसफर करूंगा। तो ये पेन ड्राइव है और ये मैं एक ओटीजी टाइप सी टाइप मैंने ले रखा है। ये अलग अलग टिप की होती है, जैसा आपके मोबाइल में लगता है भाई साहब आपको वैसा ही लेना चाहिए, ठीक है। इस तरह की ये प्योर सी टाइप केबल है, सी टाइप कनेक्टर है इसका पॉइंटर, तो इसमें ये ही लगता है। तो मैं यहाँ पे इसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये मैंने इसको पेन ड्राइव इसमें लगा दिया, ये पेन ड्राइव लगा दिया। पेन ड्राइव अच्छी तरह से लगा दें, उसके बाद आपको सीधा यहाँ पे पॉइंट करना है, ठीक है। यहाँ पॉइंट हो गया ये। अब आप देखेंगे ऊपर से तो ये वाईफाई सेटअप यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक मेमोरी जोन है, सैंडिस्क का ये एक ऐप्स है, सैंडिस्क का ऐप है, तो ये मैंने डाउनलोड कर रखा है ताकि मैं आसानी से सारी चीजें कर सकूं। अब मैं आपको दिखाता हूं, अभी ये कनेक्ट हो के नहीं दिखा रहा है। अब मैं इसे दोबारा से लगाता हूं, अब मैंने इसे लगा दिया दोबारा से। तो ये देखिए दोस्तों, यहां पर पेन ड्राइव आपको दिखने लगी। अब मैं आपको दिखा देता हूं पेन ड्राइव कहां दिख रही है। तो ये पेन ड्राइव दिख रही है यहां पे, ये देख लीजिए। और इसको जब स्वाइप करेंगे ऊपर से तो भी आपको यहां पे ये पेन ड्राइव दिख रही है। अगर आपके पास ये वाला सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप यहां पे भी डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं और ये ओपन हो जाएगी, सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। यहां तो मैंने सॉफ्टवेयर ले रखा है तो उसकी वजह से मैं उससे कर रहा हूं। अब मैं थोड़ा पास से दिखा देता हूं आपको, ये है। अब मुझे क्या करनी है, मीडिया फाइल में एक फोटो है ये वाली, ये मैंने सेलेक्ट करी और मैं आपको यहां दिखा देता हूं। यहां मूव का ऑप्शन है, मूव का ऑप्शन है, ये यहां से डिलीट होके दूसरी ड्राइव में चली जाएगी। अगर कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर लीजिए। ये मैंने कॉपी करके अब जो पेन ड्राइव दिख रही है मैं उसमें इसको कॉपी कर देता हूं। तो ये कॉपी हो गया, डन हो गया कंप्लीटली, पेन ड्राइव के अंदर ये इमेज चली गई। तो इस तरह से आप आसानी से अपना डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, पेन ड्राइव से मोबाइल के अंदर ले सकते हैं, मोबाइल से पेन ड्राइव के अंदर ले सकते हैं बहुत आसानी से। लेकिन अगर आप ये सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा है, सारी चीज़ें कस्टमाइज हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। ये देखिए मेमोरी जोन सैंडिस्क का ही है, क्योंकि पेन ड्राइव मेरी सैंडिस्क की है तो सैंडिस्क का ही ये ऐप्स है मेमोरी जोन, ये आपको प्ले स्टोर पर फ्री में मिल जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और अगर आप पे कोई कमेंट है तो कमेंट करके बताइए, मैं जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।